मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 धीरा की होशियारी। धीरा एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसने अपने और वो बहुत मेहनती ईमानदार साहसी था जिसने अपने मेहनती और साहसी के बल पर एक चोर को पकड़वाया था। अब देखो उसकी कहानी स्टार्ट होती है। धीरा जूते पॉलिश करता था जब वह बहुत छोटा था, तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब देहांत हो गया था, वो मर चुके थे। अब वह अपनी माँ और बहन के साथ एक पुरानी झुग्गी में रहता था। झुग्गी मतलब जो सड़क के किनारे छोटी छोटी बनी होती है ना मकान, छोटे छोटे घास फूस की झुग्गियाँ, झोपड़ी टाइप की बनी होती हैं। धीरा बहुत मेहनती लड़का था। स्कूल बंद होने के बाद पैसे कमाने के लिए वह एक सिनेमा हॉल के निकट बैठकर जूते पॉलिश करने का काम करता था। एक दिन बड़ी गर्मी थी, वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनता हुआ एक लोकप्रिय धुन गुनगुनाता रहा था। उसी समय उसने एक राहगीर को कहते सुना, एक चोर जौहरी की दुकान से चोरी करके भाग गया है। यानी जो गोल्ड बेचते हैं ना, जौहरी सोने का जो दुकान होती है उनकी दुकान से कोई सामान चुरा कर चोर भाग गया है। धीरा ने गिनती बंद कर पैसे जेब में डाल लिए और उस आदमी से पूछा, कब कहाँ? बस अभी अभी उसने सोने का एक कंठा चुराया और भाग गया। कंठा मतलब बाली जिसको कहते हैं कानों में डालने वाली। लोग कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी थी। यह बताकर राहगीर ने अपना रास्ता लिया। धीरा पूरी बात का पता लगाने जौहरी की दुकान पर जाना चाहता था कि एक ग्राहक आ गया। ग्राहक मतलब जो दुकान से सामान लेने वाले आते हैं ना, उनको ग्राहक बोलते हैं। ग्राहक ने अपनी कलाई घड़ी को की ओर देखते हुए धीरा से कहा, अरे लड़के जरा जूता अच्छी तरह से पॉलिश कर दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ग्राहक ने पतलून कमीज पहनी हुई थी और लाल टाई बांध रखी थी। देखने में वह एक अमीर आदमी लगता था। ये देखो, ये धीरा और ये आदमी जो उससे पॉलिश करवाने आया था जूता। धीरा तुरंत उसका जूता पॉलिश करने बैठ गया, मगर उसका मन चोरी की घटना की ओर ही लगा हुआ था। ग्राहक ने पहले बायां पैर स्टैंड पर रखा पीला कपड़ा लेकर धीरा ने जूते की धूल पोंछ, फिर एक टिन खोलकर पॉलिश निकाली और ब्रश से जूते पर फैला दी। फिर वह जल्दी जल्दी उसे चमकाने लगा। थोड़ी देर में जूता चमक उठा। तभी धीरा ने कनखियों से देखा कि दो सिपाही आ रहे हैं। कनखियों मतलब तिरछी आंखों से, टेढ़ी आंखों से उसने देखा कि दो सिपाही आ रहे हैं। उनसे वह चोरी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ग्राहक का मिजाज गर्म हो रहा था। ए लड़के, तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा जूता ऐसे रगड़ोगे कि वह चमक जाए। अभी शो खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। धीरा घबरा गया। यह कोई बड़ा आदमी है, कहीं सिपाही से मेरी शिकायत ना कर दे, उसने स्वयं से कहा। वह अपना पूरा ध्यान लगाकर जूता पॉलिश करने लगा। बाया जूता पॉलिश करने के पश्चात धीरा बोला, हुजूर दूसरा पाँव ऊपर रखिए। उस आदमी ने दूसरा पैर स्टैंड पर रख दिया। ओ लड़के जरा जल्दी करो, शो खत्म होने में केवल 2 मिनट बाकी हैं। अजीब आदमी है, धीरा सोचने लगा। अभी तो कह रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है और अब इतनी जल्दी में है। धीरा ने जूते की धूल झाड़ी और पॉलिश लगा दी। जैसे ही वह जूते को कपड़े से चमकाने लगा, उसने देखा जूते में से कुछ बाहर निकल रहा है। यह क्या हो सकता है, धीरा सोचने लगा। उसने सिर झुका, फिर अच्छी तरह से देखा। बाप रे, बस ठीक है, समय हो गया। आदमी ने स्टैंड से पांव हटा लिया। धीरा जूते को फिर भी चमकाता रहा। आदमी उसे देने के लिए बटुए से रेजगारी निकालने लगा। रेजगारी मतलब जो खुले पैसे होते हैं ना, सिक्के। धीरा ने चुपचाप उसके दोनों जूते के फीते एक दूसरे से बांध दिए और उठ खड़ा हुआ। उसने उसके हाथ से पैसे भी नहीं पकड़े। वह लपक कर सिपाहियों के पास पहुंचा। पीछे से उसने आदमी को चिल्लाते सुना, ओ बदमाश जरा ठहर। लेकिन आदमी ने जब चलना चाहा तो मुंह के बल गिर पड़ा। अभी वह उठने की कोशिश कर ही रहा था कि धीरा सिपाहियों को लेकर आ गया। उसने उस आदमी को हिरासत में ले लिया। हाँ, वही चोर था। सोने का कंठा उसके जूते में से निकला और उसकी नकली दाढ़ी उसकी जेब में से। सिपाही उसे थाने ले गए। धीरा की बहुत प्रशंसा हुई, यानी उसकी सब बहुत तारीफ करने लगे। पुलिस और जौहरी दोनों से उसे इनाम दिया।
उसके स्कूल ने भी उसकी होशियारी पर उसे एक पदक प्रदान किया। थैंक यू।